गत दिनों धर्मशाला में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी को नरेंद्र अत्री ने आधारहीन व बेतुकी बयानबाजी कहा है। कांग्रेसी नेताओं की आधारहीन बयानबाजी पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने ऐतराज जताते हुए कांग्रेसी नेताओं को हद में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। अत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं और प्रदेश के अंदर सीएम वीरभद्र को दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इससे कांग्रेसी नेता अपना गुबार बीजेपी पर निकालने में लगे हुए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को कई सौगातें दी हैं, लेकिन कांग्रेसी बिना मतलब के ही बयानबाजी में डटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कांग्रेस मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन कांग्रेसी नेता बेतुकी बयानबाजी में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी की हो, कांग्रेस या कांग्रेस का नेतृत्व आज न भारतीय जनता पार्टी के आगे ठहरता है, न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आगे ठहरता है। भाई अमित शाह जी के सशक्त नेतृत्व में जहां पूरा देश कांग्रेस मुक्त होने की ओर अग्रसर है, वहीं उन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये जहां भाई अमित शाह जी के सशक्त कुशल नेतृत्व को प्रदर्शित करता है, वहीं उनका राष्ट्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करने का एक प्रमाण है। कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं क्योंकि जिस तरह यूपीए के सरकार के दौरान उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया जब 10 वर्ष तक वो सत्ता में रहे, और आज जब प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के कारण उनके मुख्यमंत्री को आए दिन दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो इन सारी स्थितियों से कांग्रेस के नेता बौखलाहट में है। वो हैरान है कि किस तरह जो राष्ट्र की छवि को उन्होंने धूमिल किया था, उस छवि को फिर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, श्रीमान अमित शाह जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारत की छवि, हिमाचल की छवि को दुरुस्त करने में लगी है। अत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले 4 सालों में पूरी तरह से नाकाम रही है और हाल ही में भोरंज उपचुनावों में भी जनता ने आईना दिखाया है, और अब धर्मशाला में अमित शाह के दौरे पर भी टिप्पणियां की जा रही हैं जो कि ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक पर कांग्रेस नेताओं की आधार टिप्पणी इस बात को प्रमाणित करती है कि प्रदेश के अंदर, चाहे प्रदेश कांग्रेस सरकार की बात हो या प्रदेश के कांग्रेस संगठन की बात, हर तरफ भगदड़ मची है। जहां एक ओर प्रदेश कांग्रेस सरकार अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बुरी तरह फ्लॉप सिद्ध हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार और संगठन को भोरंज के चुनावों में प्रदेश की जनता ने, भोरंज की जनता ने आईना दिखाया है। शायद इसी बौखलाहट में प्रदेश कांग्रेस के नेता यह बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रदेश को केंद्र ने कुछ नहीं दिया। वास्तविकता यही है कि प्रदेश को एक से बढ़कर एक सौगात केंद्र सरकार ने दी है। अभी हाल ही में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिमला दौरे के दौरान, चाहे सस्ती हवाई यात्रा की बात उड़ान योजना के तहत हो या बिलासपुर के हरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को हरी झंडी देने की बात हो,